छोटे भाई का एक ही धर्म है, जब तक वो जीवित है और स्वस्थ है तब तक बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। उसके जीते जी यदि बड़े भाई को चिंता रहे या वो संकट में आ जाए तो छोटे भाई पर धिक्कार है। छोटा भाई मित्र भी है और सेवक भी है। वैभव, शक्ति, संपत्ति के मोह में आकर जो स्त्री अपना पति का धर्म भूल जाए, उससे अधम और कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए वो मेरे बनवासी वीर ही तीनों लोगों की संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। उस महान पुरुष सिंह के सामने तुम मुझे एक कायर तुच्छ श्रृंगार लेते हो। तो चोरों की भांति आकर एक असहाय अबला को छल से उठा ले गए। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे ऐश्वर्य और वैभव पर, तुम्हें जन्म देने वाली माता पर, तुम्हारे पूर्वजों पर, तुम्हारे कुल पर धिक्कार है। एक बार नहीं, हजार बार धिक्कार है। तुम्हारा ये साहस, एक गीदड़ होकर सिंघने की कामना कर रहे हो। तुम्हारा अंत समय आ गया है। यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। हमारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया, इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता सती की ओर ऐसी कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी, इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा, मूर्ख। संसार में पिता पुत्र या भाई का नाता जैसे मनुष्य के बनाने से नहीं बनता, वो पहले से ही निर्धारित होता है। उसी प्रकार जीवन में किसे तुम्हारी पत्नी बनना है और कब कहां उससे भेंट होनी है, ये भी विधाता पहले से ही निश्चित कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब उससे भेंट हो तो अपना संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण प्रेम उसे सौंप दे, जिससे उसके पश्चात जीवन में किसी दूसरी ओर ध्यान ही न जाए। भगवान, तीनों लोक में ज्ञान का दान सबसे उत्तम माना गया है। हम याचक हैं, अल्प बुद्धि हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं। हमें जिस योग्य समझे वही शिक्षा प्रदान करने की कृपा। हे राम, सत्य का अनुभव स्वयं करो, दूसरे के अनुभव पर विश्वास न करो। सत्य का एकमात्र प्रमाण है उसका प्रत्यक्ष दर्शन। जो गुरु ये कहे मैंने देखा है और तुम नहीं देख सकते, उसे गुरु न मानो। और जो ये कहे कि तुम भी प्रयत्न करो, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, वही सच्चा गुरु है, उस पर विश्वास करो।